वेतन ना देने में कांग्रेस ने बनाया रिकॉर्ड। हर वर्ग को परेशान कर रही सरकार, बोले जयराम ठाकुर। होमगार्ड को 2 महीने से नहीं मिला वेतन, नवंबर से कर रहे हैं वेतन का इंतजार। हिमकेयर का भुगतान ना होने पर निजी अस्पताल नहीं करेंगे इलाज। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार प्रदेश में काम कर रहे लोगों को वेतन ना देने का रिकॉर्ड बना रही है। बिजली बोर्ड, एचआरटीसी के कर्मचारियों के बाद अब पुलिस कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले होमगार्ड को भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। अक्टूबर के बाद से वे वेतन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं को अनदेखा कर रही है। उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर उनका वेतन क्यों जारी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द उनका वेतन जारी करे। हर कर्मचारी को अपना घर भी चलाना होता है। इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने मांग रखी कि सरकार दिन रात ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को समय से वेतन देना सुनिश्चित करे। हर बार वेतन के लिए कर्मचारी प्रदर्शन करे, ये अच्छी बात नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि समाचारों में रोज प्रकाशित हो रहा है कि निजी अस्पतालों ने सरकार को 2-2 कह दिया है कि अगर 31 जनवरी तक हिमकेयर का पैसा जारी नहीं हुआ तो वह हिमकेयर के तहत इलाज करना बंद कर देंगे। यह दुखद स्थिति है कि सरकार आम लोगों के साथ साथ अब मरीजों को भी परेशान कर रही है। सरकार अस्पतालों द्वारा दिए गए अल्टीमेटम के पहले उनसे बातचीत कर ये मसला सुलझा ले। इसके पहले भी सरकार ने अस्पतालों में जांच कर रही कंपनी का भुगतान नहीं किया था। बार बार भुगतान की मांग करने के बाद कंपनी ने जांच बंद करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण उन्हें भी जांच बंद करनी पड़ी थी। 2 दिन लोगों को परेशानी करने के बाद जांच सेवाएं फिर से शुरू हुई थी। इस बार ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए।